नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आप सबको पता है कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज हो रही है। अब बॉयकॉट लक्ष्मी बॉम्ब ये ट्रेंड हो रहा है, तो मैं देखना चाहती थी कि क्यों ये पिक्चर को लोग बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे पता चला कि ये पिक्चर की जो प्रोड्यूसर है शबीना खान, वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती है, कश्मीर सेपरेटिस्ट सोच रखती है। और ये पिक्चर के दूसरे प्रोड्यूसर है तुषार कपूर, जो एकता कपूर के भाई है। पूरी लाइफ में उनका क्लेम टू फेम है एकता कपूर का भाई होना और जितेंद्र का बेटा होना। नेपोटिज्म ने उनको काम तो दिया, मगर नेपोटिज्म उनको स्टार नहीं बना पाया। तुषार कपूर के साथ मैंने ढोल पिक्चर में काम किया था, इसलिए मुझे पता है कि उनका हुनर कितना अच्छा है। मगर इतना अच्छा हुनर होने के बावजूद भी उनको स्टारडम नहीं मिला, इतना बैकिंग होने के बावजूद भी उनको स्टारडम नहीं मिला। तो आज की तारीख में तुषार कपूर है लक्ष्मी बॉम्ब के प्रोड्यूसर, और उस पिक्चर के मेन हीरो है अक्षय कुमार, जो ऑब्वियसली आसिफ नाम रखते हैं। सुनने में आया है कि पिक्चर लव जिहाद के ऊपर बनी है, क्योंकि पुरुष आसिफ है मगर महिला हिंदू नाम रखती है। पता नहीं, ऐसा सुनने में आया है। मैंने ना पिक्चर देखी है ना मुझे पिक्चर की एग्जैक्ट स्टोरी पता है, मगर सोशल मीडिया पर यह इंफॉर्मेशन है कि लक्ष्मी बॉम्ब लव जिहाद का प्रमोशन करती है। मगर लक्ष्मी बॉम्ब की प्रोड्यूसर शबीना खान है, यह सच्चाई है। वो शबीना खान जो कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच रखती है, वो सच्चाई है। लक्ष्मी बॉम्ब की प्रोड्यूसर दूसरी है तुषार कपूर, और वो एकता कपूर का भाई है। वो एकता कपूर जो एक तरफ मोदी जी के बाहों में बाहें डालकर खड़ी होती है, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली ट्विंकल खन्ना के साथ रेप इन देवस्थान आई एम हिंदुस्तान का समर्थन भी करती है। ये है आपकी एकता कपूर, ये है आपका बॉलीवुड, और ये दोगला है। नमस्ते, जय हिंद।